सामना हुआ न्यूजीलैंड के साथ और न्यूजीलैंड को आसिफ अली और शुएब मलिक ने शानदार पारी खेलते हुए हरा दिया और पाकिस्तान को जीत दिलवाई, जिसके बाद न्यूजीलैंड को पाकिस्तानी फैंस ने अपने निशाने पर लेते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया और न्यूजीलैंड के हर सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट के हर पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में जाकर सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व का कमेंट करने लगे। लेकिन दोस्तों, कई लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व मामला क्या है। वेल दोस्तों, इसके पीछे की एक पुरानी कहानी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के न्यूज जंक्शन में, आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, आखिर ये सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व के पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व के बारे में। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 से ठीक पहले सितंबर में न्यूजीलैंड पाकिस्तानी टूर पर थे, जहां दोनों टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी थी और 17 सितंबर को पहला वनडे मैच भी खेला जाने वाला था। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए पाकिस्तान की टूर को कैंसिल कर दिया था। उस वक्त न्यूजीलैंड बोर्ड ने कहा था कि वो अपने प्लेयर्स पर खतरा देखते हुए उस टूर को कैंसिल कर रहे हैं। और फिर क्या, एक भी मैच खेले बिना ही न्यूजीलैंड टीम वापस चली गई। और तो और, न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी इशू की वजह से वापस जाने की खबर सुनने के बाद इंग्लैंड टीम ने भी अपना पाकिस्तान का टूर कैंसिल कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की थोड़ी सी फजीहत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा फूट गया कि रमीज राजा ने यह तक कह दिया कि अब तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हरा कर ही दम लेंगे। और फिर क्या, T20 वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हराया तो पाकिस्तानी फैंस ने बिना किसी देरी के न्यूजीलैंड टीम के सोशल मीडिया हैंडल के पोस्ट पर सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व कमेंट करना शुरू कर दिया और बाद में ये ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जीत के बाद पाकिस्तान के एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने भी न्यूजीलैंड के मजे लिए और उन्होंने भी न्यूजीलैंड को लेकर एक ट्वीट भी किया। तो दोस्तों, ये था सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व का मामला, लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड का भारत के साथ मुकाबला बाकी है और 31 अक्टूबर को टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों, ये था पूरा मांजरा सिक्योरिटी इशू रिजॉल्व का, लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड का मुकाबला बाकी है टीम इंडिया के साथ। तो 31 अक्टूबर को तैयार रहिए न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच होने वाले मुकाबले को देखने के लिए। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 31 अक्टूबर को होने वाले इंडिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे आपके क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ। आप बने रहिए क्रिकेट लाइन ग्रुप के साथ।